और अब बात अयोध्या की, जो दिवाली से पहले ही रोशनी में डूब गया है। सभी मंदिरों को सजाया गया है। इस बीच खबर यह है कि अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जाएगी। दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ये ऐलान कर सकते हैं। भगवान राम की ये प्रतिमा 151 मीटर ऊंची होगी। इस प्रतिमा पर 330 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूत्रों की माने तो ये भी खबर है कि पर्यटन विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री योगी के सामने राम मूर्ति को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया था। प्रेजेंटेशन में देश और दुनिया भर की 7 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। ऐसी खबरें हैं कि भगवान राम की इस भव्य प्रतिमा का सैंपल योगी ने फाइनल कर दिया है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या डूब चुका है रोशनी में दिवाली से पहले ही, और भगवान राम की भव्य मूर्ति बनाने का ऐलान योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। लगभग 151 मीटर ऊंची ये मूर्ति होगी। और अब आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हमारे सहयोगी ने जिस तरह से रोशनी में डूबा हुआ था अयोध्या, उसकी तस्वीरें हमें भेजी हैं। दीपावली से पहले अयोध्या रोशनी से नहा उठी है। जगह जगह रोशनी, झालर और वो नजारा है जिसे देखकर यहाँ पहुँचने वाला हर इंसान, हर शख्स यहाँ हतप्रभ है। यानी वो तस्वीर जो आज तक लोगों ने कभी नहीं देखी अयोध्या की, आज नजारा वैसा ही है। हम अयोध्या के सरयू घाट पर हैं और ये पीछे की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो सरयू घाट पर बने जो मंदिर हैं, वो इस वक्त किस तरीके से रोशनी में नहा उठे हैं। ये योगी सरकार का वो कार्यक्रम है जो काफी दिनों से लोग इंतजार में थे कि जिस तरीके से अयोध्या में दीपावली होनी चाहिए, यानी जब भगवान राम की जन्मस्थली पर इस तरीके का नजारा कभी नहीं होता था। लेकिन आज ये मौका आया है तो अयोध्यावासी गदगद हैं। पूरी तरीके से घाट रोशनी से नहा उठे हैं। यही जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, यही जब दीपावली का जश्न होगा, जब पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर मौजूद होगा, तो वो नजारा देखने लायक होगा। फिलहाल अभी टेस्टिंग के तौर पर ये लाइटें जलाई जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पर लेजर शो भी होगा और इसके साथ तमाम वो कार्यक्रम होंगे जो अयोध्या की शान बढ़ाएंगे, भव्यता देंगे उसको। और खास बात ये भी है कि जब पूरा मंत्रिमंडल योगी के साथ यहाँ पर मौजूद होगा तो तमाम कार्यक्रम होंगे। देखने वाले यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। क्या देख रही है, किस तरीके का, कभी ऐसी अयोध्या देखी थी? विगत वर्ष से जो योगी जी ने अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की है, ये एक बहुत अच्छा आरंभ है। और हम लोग भी यही देखने आए हैं कि किस तरह से राम की पैड़ी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। डिफरेंट कलर्स की लाइट्स, शेड्स इसकी भव्यता में और बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं देखा था। आप बताइए कि आप लोग भी रात के वक्त यहाँ पर आई, अभी तो दीपावली भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब देख कर लाइट वगैरह, और पूरा अयोध्या बदल गया है। तो अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि दिवाली से पहले ही अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ दिवाली के मौके पर वहां पहुंचेंगे और श्री राम की भव्य मूर्ति का ऐलान करेंगे, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह की जानकारी सामने आई है उसके अनुसार आज मुख्य सचिव एक बार फिर से रवाना है अयोध्या की तरफ और राम की पैड़ी के पास जाकर के वो बाकायदा निरीक्षण करेंगे। जिस तरह का कार्यक्रम तय हुआ है उसके अनुसार विदेशी वहां पर इस बार मेहमान भी रहेंगे, क्योंकि जानकारी के अनुसार फर्स्ट लेडी कोरिया वहां पर रहेंगे और पुष्प विमान भी वहां पर उतरेगा और 151 मीटर ऊंची राम की जो मूर्ति है वो वहां पर स्थापित होगी। करीब 350 करोड़ के आसपास का बाकायदा बजट दिया जा रहा है। राम संग्रहालय भी वहां पर बनाया जाएगा और 1,71,000 दीपक भी वहां पर जलाए जाएंगे। यानी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहां पर कायम करने की कोशिश होगी कि यहां पर एक साथ इतने दिए एक स्थान पर जलाए गए। यानी एक बार फिर से पूरी कोशिश होगी कि ठीक उसी तरह का अयोध्या वहां पर दिखाई दे जो बहुत साल पहले जब राम पुष्पक विमान से वहां पर आए थे और अयोध्या सजी थी, ठीक उसी तरह ही यहां पर एक नजारा 6 नवंबर को हमें फिर से देखने को मिलेगा। एक बार फिर से पुष्पक विमान वहां पर उतरेगा जिसकी अगुवाई करने के लिए खुद वहां पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे और 1,71,000 दीपक जलाकर के वो बाकायदा स्वागत करेंगे।
करेंगे और एक बड़ी घोषणा वहां पर की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार को इस बड़ी घोषणा की जरूरत भी है, क्योंकि अयोध्या को लेकर के लगातार चर्चा बनी हुई है, राम मंदिर को लेकर के लगातार चर्चा बनी हुई है, और योगी सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ऐसे में कि जब 2019 का चुनाव हो रहा हो तो यहां पर जनता को नाराज किया जा सके। तो एक बड़ी घोषणा यहां पर अयोध्या में राम मंदिर। विजय, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन है, बहुत अच्छी प्लानिंग है, पुष्पक विमान भी उतरेगा, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर अगर इस सेलिब्रेशन का 10% पैसा भी गरीबों के ऊपर, इंसेफेलाइटिस से पीड़ित बच्चों के ऊपर खर्च करती सरकार, तो शायद हम और ज्यादा तारीफ करते। बहुत बहुत धन्यवाद विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें 10:45 पर मेरे साथ पहली बहस देखना ना भूलें। आज का मुद्दा है मंदिर किनारे मंदिर से पहले गरजेंगे श्रीराम।